रमन सिंह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका बाजार पहुंचे, जहां आयोजित आम सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सरोजनी बंजारे के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए विजय सिंह का आशीर्वाद मांगा। राजनांदगांव जिले की आरक्षित सीट की प्रत्याशी सरोजनी बंजारे वर्तमान में भाजपा से डोंगरगढ़ क्षेत्र की विधायक हैं। पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया गया है। मंच से मुखिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश में हुए कार्यों के विकास के रूप में कसीदे गढ़े, साथ ही विपक्षी कांग्रेसियों को नारे लगाने वाली पार्टी कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में शहीद दो जवान और दूरदर्शन न्यूज के कैमरामैन की शहादत में कहा कि यह नक्सलियों की कायराना हरकत है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में हुए बैठक में निर्णय लिया गया है कि जहां तक मुमकिन हो सके पुलिस बल और फोर्स की मौजूदगी में सुरक्षित जगहों पर ही लोगों को भेजा जाए, ताकि अति संवेदनशील इलाकों में जाने से बचा जाए। आज खुशी है यहाँ से विधायक बनाया, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने उसे श्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया और निश्चित रूप से विकास को और आगे बढ़ाने के लिए 5 साल में जो सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, डोंगरगढ़ के स्टेशन के लिए जो स्वीकृति की, नए रेलवे लाइन का यहाँ पे स्वीकृति हुआ, स्काई योजना में गांव-गांव में महिलाओं के लिए स्मार्टफोन का वितरण का काम हुआ, यहाँ 26,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मोबाइल का वितरण, डोंगरगढ़ शहर में नए टावर के निर्माण और सौभाग्य और अन्य योजना का लाभ पूरे डोंगरगढ़ को मिला। मैं यही आग्रह करने आया हूँ कि सरकार के साथ आने वाले 5 साल में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और डोंगरगढ़ से कमल यहाँ पे खिले, सरोजनी बंजारे को बहुमत के साथ जिताए, यही आग्रह। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट।